ये बाबा जी पिछले 11 साल से मुहर्रम अल हराम के महीने में फ्री रिक्शा चलाते हैं, कोई भी पैसा नहीं लेते। 11 साल से ये खिदमत जो है इमाम हुसैन की इसी तरीके से कर रहे हैं। ये नहीं होता कि ये दूर जा रहा है या नजदीक है, जिस जगह पे उतरना बेटा मैं उतार गया। कई लोग आके पूछते हैं बाबा जी कितने पैसे, फिर मैं उनको बताता हूँ बेटा ये मैंने लिखा हुआ मुकम्मल फ्री रक्षा कर रहा है। बाबा जी ये सिर्फ मुहर्रम अल हराम के महीने में कटते हैं या पूरा साल ही आपका ये सिस्टम? नहीं बेटा, यकम से 10 मुहर्रम, 10 सफर से 20 सफर केलम पे, ईद मुलादुन नबी 12 दिन, फिर उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर पर 13 दिन और शहादत पे 3 दिन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ में आपके मेजबान हुमा खालिद। नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं कि मुहर्रम अल हराम का जो महीना है वो गुजर रहा है और हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम हुसैन की बारगाह में जो लंगर है वो तकसीम करते हैं। आज हमारे साथ इमरान बाबा मौजूद हैं। ये बाबा जी पिछले 11 साल से मुहर्रम अल हराम के महीने में फ्री रिक्शा चलाते हैं और जो सवारियां हैं उनको फ्री उनके घर तक छोड़ कर आते हैं, कोई भी पैसा नहीं लेते। 11 साल से ये खिदमत जो है इमाम हुसैन की इसी तरीके से कर रहे हैं। आइए जरा इनसे जानते हैं कि आखिर ये सिलसिला किस वजह से इन्होंने स्टार्ट किया और आखिर बढ़ता बढ़ता आज किस मुकाम पर जा चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि कितना अरसा हो चुका है आपको फ्री रिक्शा चलाते हुए? ये बेटा 10 से 11 साल हो गया मुझे ये रिक्शा चलाते हुए, और इसमें बेटा जैसे अब मैं बीबी पाक दामन के पास हूँ, अब जहाँ से कोई भी सवारी आएगी वो कहीं भी जाना उसने, तो बेटा मैंने उसको वहाँ पे छोड़ के आना है। तो ये नहीं होता कि ये दूर जा रहा है या नजदीक है, जिस जगह पे उतरना बेटा मैं उतार के आता हूँ। बाबा जी मुझे ये बताइएगा जो सवारियाँ हैं जब वो उनको आप पहले बताते हैं कि मैं कोई पैसा नहीं लेता? नहीं नहीं ये लिखा होता, कई लोग आके पूछते हैं बाबा जी कितने पैसे, फिर मैं उनको बताता हूँ बेटा ये मैंने लिखा हुआ मुकम्मल फ्री रखा सर। तो फिर आप बैठ जाएं और मैं आपको जहाँ भी जाना मैं छोड़ के आता। बाबा जी अब तो पेट्रोल भी इतना महंगा हो चुका है फिर भी आप सवारियों को फ्री छोड़ के आते हैं, इसकी जगह आप देगी उतार सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं 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 बेटा वो मेरी हैसियत नहीं, देगों का काम बहुत महंगा हो गया, लेकिन इसमें दो लोग मेरे साथ सफर करते हैं जिनके पास रिक्शा स्पेशल रिक्शा लेने का वसाइल नहीं है, तो मैं उनको उतार के आराम से वो चले जाते हैं। फिर इसमें बेटा एक ये चीज है कि सुबह का टाइम में जालस है, फिर मैं हॉस्पिटलों के बाहर ड्यूटी देता हूँ, रोड पे चलते लोगों को बिठाता हूँ, तो बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं उनको बिठाता हूँ बेटा, उनको उनकी मंजिलों तक चौक पर रात को, फिर मैं मजलिसों पे चला जाता हूँ, फिर वहाँ से लोगों को बिठाना होता है। बाबा जी ये सिर्फ मुहर्रम अल हराम के महीने में करते हैं या पूरा साल ही आपका ये सिस्टम? नहीं बेटा, यकम से 10 मुहर्रम, 10 सफर से 20 सफर केलम पे, ईद मुलादुन नबी 12 दिन, फिर उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर पर 13 दिन और शहादत पे 3 दिन। जी बाबा जी अभी एक शख्स आपको पैसे दे के गया है, ये आखिर किस चीज के है? ये बेटा 1000 रुपया उन्होंने दिया है, और ये देखे कि जो भी आता है ना जो कुछ जारीन सब तो नहीं जो देते हैं वो पेट्रोल का इनाम देंगे, उन्होंने भी ये कहा कि बाबा जी मेरी तरफ से ये पेट्रोल में हिस्सा डाल दें, और ये देखे आपके सामने उन्होंने दिया, अब जब मैं टैंकी फुल कराऊंगा तो उनके पैसे पकड़ूंगा, और बताया अगर कोई कम पैसे हो फिर मैं अपनी जेब से डालूंगा। बाबा जी ऐसे और भी सवारियां भी होती होंगी जो बैठती होंगी और पैसे दे जाती होंगी? जी जी बिल्कुल, वो पेट्रोल में ही हिस्सा डालते हैं। आज तक 11 सालों में बेटा किसी ने ये नहीं कहा बाबा जी आप कुछ खा लेना या अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाना। बाबा जी आप फ्री चलाते हैं तो आपके जितने पैसे वो तो पेट्रोल में लग जाते हैं, तो फिर घर कैसे आप? हाँ ये बेटा जब मैं ये शुरू करना होता है ना उसमें बच्चे मैंने ये करना होता है कि 2.5-3 महीने पहले इसी की रोजी में से मैंने पैसे बचाने होते हैं। क्या बात, थोड़े थोड़े पैसे रख देता हूँ और भूल जाता हूँ जब तक वो मेरे पास हो जाते हैं, फिर इन आखिरी जो 2-3 दिन होते हैं ना ये वाकई मेरे लिए मुश्किल होती है, और अब ये देखे ये उन्होंने दिए ये मेरे अपने हैं, अब जब ये मैं ये डालूंगा तो जो कम पड़ेंगे यहाँ से मैं पूरे करूँगा। डेली का कितने पैसों का आप पेट्रोल डलवाते हैं? अभी तो बेटा 2 टैंकियां मेरी लग रही हैं, लेकिन अब 9-10 मुहर्रम पे काम बहुत तेज होता है। अच्छा बाबा जी ये होता है कि जितने का पेट्रोल डलवा लिया उसमें दिन में जितना काम हो गया फिर आप घर चले गए? नहीं, फिर टाइम रखा हुआ है कि इस टाइम से इस टाइम तक जितना लगता रहे? नहीं नहीं, काम मैंने बेटा घर जाते हुए मुझे 12-1 बज जाता है और सुबह में निकलता हूँ, यानी मेरी ये मोहब्बत है इनसे कि मैं जब थक के कितना चूर हो जाता हूँ ना उस वक्त बेटा मैं घर की तरफ जाता हूँ,
और यकीन करें कि मैं नहा के अल्लाह पाक का नाम सिर्फ देख और मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। तो सुबह मैं उठता हूँ, नहाने के टाइम पानी डालू तो फिर मैं चौकस होता हूँ, तो फिर मैं अपना रिक्शा निकालता हूँ बाहर। बाबा जी बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। क्या उम्र है उनकी? बेटा है 15 साल का, एक बेटी 16 साल के। अब बेटा तो गुस्सा करता होगा बाबा जी आप इतना पैसे नहीं लाते। वो तो खुश है बेटा, क्योंकि उनको मैंने पहले मतलब बेटा समझा दिया था कि बेटा ये काम करना है और ये अल्लाह की रजा के लिए करना है। बाबा जी इसमें आपके घर वाले आपको कितना सपोर्ट करते हैं? हाँ इसमें बेटा उन्होंने क्या सपोर्ट करना है, सपोर्ट तो कमा के तो मैंने देना उनको, लेकिन जो सपोर्ट करते हैं ना, मैं पहले दिन उनको ये समझाया, मैंने कहा ये बात है, लेकिन उनके दिल में ये एक बात आई थी कि जी वो खाना पीना क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा जवाब क्या था आगे से, अपनी बीवी से बच्चों को बिठा के मैंने कहा था कि जिस दिन आप रात को भूखे सो जाओ, मुझे नहीं बताना कि हम भूखे सोने लगे हैं, जब सुबह उठोगे तो मुझे बताना कि हम रात भूखे सोए हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो भूखे सोए हों। बाबा जी इतना अरसा हो गया आपको इमाम हुसैन के लिए फ्री रिक्शा चलाते हुए, कभी कोई जिंदगी में वाकया ऐसा हुआ और आपने आपको भूला ही ना हो वो वाकया, अच्छा हो या बुरा हो? नहीं नहीं बेटा, असल तो बुरा तो कुछ भी नहीं हुआ, सब सही जा रहा है, क्योंकि ये रिक्शा मैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नहीं चला रहा, ये पूरी कौम के लिए चला रहा। कोई बंदा सबसे ज्यादा जिसने आपको कभी बड़े पैसे दे दिए हो आपको खुश हो क्या? नहीं हाँ ये है कि यकम मुहर्रम से लेके अब तक पाकिस्तान के बाहर से भी फोन आए हैं, और पाकिस्तान से भी बड़े बड़े यानी कह रहे हैं कि सैद हसीयत और बहुत पावरफुल लोग जिन्होंने फोन किया कि बाबा जी हम या आपको अपना वक्त, मतलब क्या ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाबा जी से रابطہ करते हैं और वो भी आपकी मदद करते हैं? वो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी तस्वीर वहाँ कैसे चली गई है। बाबा जी क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं ये कहना चाहता हूँ जी के लोग मैं देखता हूँ परेशान है, कहते भी हैं, तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि हम लोग अल्लाह से दूर हो गए, अल्लाह हमसे दूर हो गया, तो हर आदमी को चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करे, और खाली भी जा रहा है, मैं रिक्शे में बैठा अल्लाह का नाम लेता रहता हूँ, तो आपकी ना कोई परेशानी रहेगी ना मुश्किल रहेगी, तो मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह को कसरत से याद करो और कसरत से उनका जिक्र करो, आपकी सारी मुश्किलें मौला मुश्किल कुशा के सदके और इनके सदके रसूल पाक के सदके सब खत्म हो। नाज़रीन ये थे बाबा इमरान हुसैन जिनकी कहानी आपने सुनी, उम्र के साथ साथ इनके हौसले भी बहुत ज्यादा बुलंद है, ऐसे हौसले की आपको बहुत जरूरत है, अपनी जिंदगी में कोई मोटिवेशन लाए और बाबा इमरान हुसैन साहब के कुछ सीखे और अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाए। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाजत, वस्सलाम।